हेलो एवरीवन, दिस इज प्रज्वल वर्मा फ्रॉम आईएमई सिटी एस्पिरेंट्स। तो यहाँ पे दो बंदे हैं मेरे पास, जैसे अमन है आईएमई कोलकाता का, सेकंड ईयर है अब तो, और किशन सेकंड ईयर और आईएमई कोलकाता कैंपस है, सेम है, ठीक है। इनसे ही पूछेंगे कि कैसे इनको हमारा कॉलेज मिला, ठीक है। तो फिर हम डिस्कस करेंगे काउंसलिंग का प्रोसेस, मतलब स्टार्ट से क्या क्या होता है, ठीक है। जैसे चार पांच चीजें होती है, किशन तुम बता दो अपना अपना। तो सबसे पहले काउंसलिंग लेटर फिल करने के लिए तुम 10,000 फीस पेमेंट करनी होती है। उसके बाद तुम डिसाइड करो, प्रायोरिटी डिसाइड करोगे तुम्हें कौन सा कॉलेज चाहिए और तुम किस किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो। और फिर उसके बाद एक लिस्ट आएगी, फर्स्ट लिस्ट उसको बोलते हैं। उसमें अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो तुम्हें एक और मेल आएगा जिसमें तुम्हें 25,000 फीस पेमेंट करने को बोलेंगे फॉर द सीट रिजर्वेशन। और फिर तुम अपना मेल रेगुलरली चेक करते रहना, क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे या तो वो आईएमयू की वेबसाइट पे होगी या हर एक कॉलेज के इंडिविजुअल वेबसाइट है उस पे, या तुम्हारे मेल पे आएंगे। और फिर वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट, तुम्हारे 10th 12th मार्कशीट और कुछ एनेक्स भी आते हैं 5, 6, 7, 8, 9, उन सबकी फोटोकॉपी अलॉन्ग विद द ओरिजिनल तुम्हें एट द टाइम ऑफ एडमिशन कॉलेज में सबमिट करना होता है। अच्छा अमन, इसके बाद यार ये बता दो कि जो तुम्हारा कॉलेज में गए थे तो तुम्हारा सबसे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो क्या क्या थे, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने थे कॉलेज में? सर कॉलेज में सर जितने भी एनेक्सर इन्होंने दिए थे सर वो लेके जाने थे। फिर सर 10th और 12th के सर ओरिजिनल मार्कशीट्स लेके जाने थे सर। फिर उसके बाद हमें सर सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज मेन होती है सर, जब इनका ये अभी निकला है जो सर प्रोविजनल रैंक लिस्ट, रैंक सर्टिफिकेट सर, वो सर काफी कम टाइम के लिए रहता है, मतलब की वेबसाइट में भी सर सिर्फ 7 दिन के लिए रहता है। तो वो एक सेव करके रख लेना चाहिए सर, क्योंकि वो कॉलेज में ले जाना कंपलसरी होता है सर। अगर वो नहीं होगा तो उसके बाद कॉलेज एडमिशन देने से ही सर मना कर सकता है सर, ऐसा हो जाता है सर। तो सर वो एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाता है। फिर सर उसके बाद पासपोर्ट एक और मेन चीज आ जाता है जिसमें सर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है सर। और फिर यस इतना ही सर। अच्छा, डॉक्यूमेंट की कितनी कितनी फोटोस्टेट लेके जानी होती है? बच्चे भूल जाते हैं फोटोस्टेट। सर मिनिमम, सर मिनिमम 2 सर। मिनिमम 2 मतलब तीन करवा के हर डॉक्यूमेंट की फोटोस्टेट रखवा के रख लें। यस सर। जैसे तुम्हारे 10th का मार्कशीट हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, तुम्हारा आधार कार्ड हो गया, तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, अगर रिजर्वेशन है तुम्हारे पास तो उन सबके तीन तीन आप फोटोस्टेट करवा सकते हैं। और क्या उसके बाद एक और होता है ना, होता है पासपोर्ट का, तो कुछ ऐसा एडमिशन के टाइम काम नहीं होता, तो कॉलेज जब स्टार्ट होता है तब इंडोर्स होता है, तब बहुत प्रॉब्लम होने लगता है। नो सर, एडमिशन टाइम भी सर अगर उस जब एडमिशन टाइम प्रोसेस में अगर उस टाइम जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते सर, अगर उस टाइम ऑन हैंड अगर हमारे पास पासपोर्ट नहीं होता तो वो कंपल्सरी सर वो मांगते कि हमने पासपोर्ट बनाने के लिए अप्लाई कर रखा है, तो सर वो अप्लाई वाला पेपर भी मांगते सर। बाकी ऐसा बोल के लीगल डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं लिखा होता है, जितना मेरे को याद था हमारे टाइम में था कि मैंडेटरी नहीं लिखा रहता था। अगर है तो अच्छी बात है, पर कॉलेज में जाके बहुत हेक्टिक होती है, मैं तो कहूंगा बनवा लो तो अच्छा है। सर पिछले साल लिखा हुआ था सर मैंडेटरी सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन्होंने लिखा हुआ था कि पासपोर्ट होना जरूरी है, अगर नहीं है तो अप्लाई कर दो तत्काल के अंदर सर। अच्छा, तो अपना पासपोर्ट तत्काल में अप्लाई करते हैं जैसा भी आपको समझ आता है, और रैंक लिस्ट बहुत जल्दी वैनिश हो जाएगी और सीट अलॉटमेंट, तो इन दोनों को जिन्होंने करवा लिया है रैंक लिस्ट तो आई गई है, तो रैंक सर्टिफिकेट जो आपका उसको डाउनलोड करके रख लें, प्रिंट करवा लें। और सीट अलॉटमेंट लेटर भी मेरे को लगता है काफी जल्दी वैनिश होता है, तो उसको भी जब वो आएगा तो उसको भी डाउनलोड करके रख लें। और पासपोर्ट का भी रहता है भाई, कभी बनवा लो सबके साथ पासपोर्ट, वरना बहुत हेक्टिक रहती है कॉलेज के अंदर। इंडॉक्स भी आपका स्टार्ट हो जाता है, मतलब फर्स्ट 20 डेज या 15 डेज में, हम लोग के टाइम में फर्स्ट 15 डेज में होता था इंडॉक्स, जैसे कॉलेज स्टार्ट हुआ इंडॉक्स स्टार्ट हो जाता था। बाकी देखो यस बाकी कुछ नहीं सर, बस एक लास्ट में एक अपग्रेडेड लिस्ट आती है जिसमें अगर कॉलेज चेंज होना हो तो वो भी हो जाता है, मतलब किसी को सेकेंड चॉइस मिली है और अपग्रेडेड लिस्ट में फर्स्ट हो जाती है। देखो क्या होता है, पहली लिस्ट आती है उसमें जो बच्चों ने अप्लाई कर दिया काउंसलिंग के लिए, जैसे फर्स्ट रैंक के लिए अप्लाई नहीं किया तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। वो जो बच्चे अप्लाई करते हैं काउंसलिंग के लिए 10,000 रुपए देके उनको लिस्ट आती है पहली लिस्ट कि ये आपको कॉलेजेस मिल चुके हैं। फिर एक सेकंड लिस्ट आएगी, सेकंड लिस्ट में बहुत सारी चीजें होती है, या तो पहले लिस्ट के जो बच्चे थे जिनका हो चुका है काउंसलिंग में वो सबके सब 25,000 रुपए दे दें, ठीक है। तो जो पहली लिस्ट के सारे बच्चे थे उनकी सीट भर जाएगी,
परंतु अगर किसी बच्चे ने उसमें से 25,000 रुपए नहीं दिए तो वो सीट खाली रहेंगी, तो वो सीट प्लस जो बची बाकी सीट है उनके कैंपस की, वो दोनों मिला के सेकेंड लिस्ट में काउंसलिंग होती है, ठीक है। और जैसे आपका थर्ड प्रायोरिटी आपको पहली लिस्ट में मिल गया, ठीक है, तो आपको 25,000 रुपए देने पड़ते हैं, पर वो सेकंड लिस्ट में अगर आपकी कहीं से सीट मिल रही है खाली हो जा रही है किसी वजह से, तो वो अपग्रेड हो जाएगी ऑटोमेटिक, ठीक है, उसमें आपको दोबारा 25,000 रुपए नहीं देने, पर पहली लिस्ट आने के बाद 25,000 रुपए देने होते हैं। और नाम ही नहीं आया आपका तो कोई इशू नहीं है, सेकेंड लिस्ट में नाम आया तब आपको 25 देने पड़ेंगे, थर्ड में नाम आया तब देने पड़ेंगे, या फोर्थ, हमारे टाइम में तो 1, 2, 3, 4 होता था, इनके टाइम में 1, 2 और फर्स्ट वेटिंग लिस्ट एंड सेकेंड वेटिंग लिस्ट इस टाइप से था, ठीक है, पर पैसे आपको देने पड़ते हैं जब भी आपकी नाम आया था, पर वेटिंग लिस्ट वालों को क्या होता है, उन्हें नाम आने से पहले देना पड़ता है पैसा, ठीक है। पर किसी को नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पूरा वीडियो फिर से बना दूंगा, अपग्रेड होता है कैसे, क्या हिसाब किताब है, ठीक है।